आशा का किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं सोया कीमा मोमोज। इसके लिए मैंने ये सोयाबीन लिया है, ये मैंने मैदा लिया है, ये रिफाइन ऑयल लिया है, ये प्याज, नमक, कलौंजी और ये सोया सॉस। सबसे पहले हम ये सोयाबीन में पानी डालकर इसे 10 मिनट के लिए भिगो लेंगे। उस तब तक हम ये मैदा का डो तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने ये सारा इसमें डाल दिया। हल्का सा नमक डालेंगे, थोड़ा सा रिफाइन ऑयल डाल के और हम इसका टाइट डो तैयार करेंगे। तीन से चार मिनट में ये डो तैयार हो जाएगा। तब तक हम गैस जला लेंगे ये पानी गर्म होने के लिए और ये डो तैयार करेंगे। डो बिल्कुल टाइट तैयार करना है हमें, बिल्कुल भी मुलायम नहीं। पानी बिल्कुल थोड़ा थोड़ा डालना है इसमें। ये मैंने वो भिगे हुए सोयाबीन का कीमा तैयार कर लिया है मिक्सी में, उसका पानी निचोड़ लेना पड़ता है पूरी तरह से। अब हम इसमें नमक डालेंगे, ये कटा हुआ प्याज, थोड़ा सा ये कलौंजी का दाना और ये थोड़ा सा सोया सॉस, ये डाल के हमें अच्छे से इसे मिक्स करना है। अब हम इसकी फिलिंग करेंगे। इसलिए मोमोज के कवर के लिए हम ये ऐसे इसको ऐसे करेंगे। ये कितने आसानी से ये तैयार हो गया। इसी तरह से हम दूसरा आप तैयार कर लेंगे। इसे हम दूसरे तरीके से भी फिल कर सकते हैं। इसे हम ऐसे करके इसे दबाते हुए उंगली के बीच में ये इसे दबाएंगे। दोनों कॉर्नर को पकड़ते हुए ऐसे इसे प्रेस कर दीजिए। इसे हम जैसे हम गुजिया को फोल्ड करते हैं उस तरीके से भी इसे हम कर सकते हैं। इसके लिए हम इसे फिल करके अच्छे से दबा लेंगे। यहाँ से इसे लेंगे ऐसे और इसे कट करते चलेंगे। देखिए तैयार हो गए। ये हम ऐसे भी कर सकते हैं इसे फिर। दोनों साइड से ऐसे पकड़ लेंगे और ज्वाइंट करते हुए बीच में इसे ले आएंगे उंगली को और इसे चारों साइड से इस तरह से हम इसे इसी तरह से हम सारे मोमोज की फिलिंग कर लेंगे। इस तरीके से हम इसे फिल कर सकते हैं।
के लिए ये इस तरह से साइड से सारे सबको ऐसे करके हमें एक जगह इकट्ठा कर लेना है और देखेंगे फिल हो गया। आपको जो भी तरीका आसान लगे उस तरीके से आप इसे फिल कर सकते हैं। अब मैंने ये पानी गर्म कर लिया है, अब हम इसमें ये डालेंगे और इसके नीचे ये हम रुमाल डालेंगे या कोई भी कॉटन का कपड़ा आप रख लें ताकि ये मोमो चिपके ना। और जब भी हम इसे स्टीम करेंगे तो जिधर ये मोटा वाला साइड होता है उल्टा पकड़ के हमें इसे डालना है, ध्यान रहे इसे उल्टा ही डालिएगा। और इसे हम 15 मिनट के लिए ढक्कन बंद करके तेज फ्लेम पर हम इसे 15 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए तेज फ्लेम पे और 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे इसे स्टीम कर लेंगे। ये 15 मिनट हो गया है तो हम गैस बंद कर दिए और इसका ढक्कन हटा के अब हम ये देखिए कितने अच्छे से स्टीम हो गया है और हम इसे चिमटे की मदद से, और ये देखिए चिपक नहीं रहा है इसलिए हम कोई भी कॉटन का कपड़ा यूज़ करेंगे इसके नीचे या अगर केले का पत्ता हो तो वो डाल सकते हैं। देखिए देखिए मैंने इसकी प्लेटिंग कर ली है, आप इसके जगह फिलिंग में कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे पनीर हो चिकन हो कुछ भी। तो चलिए अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।